हेलो गाइस, मैं सुनील आशा स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज्यादा बात वीडियो नंबर 243 आपके सामने लेकर आ गया हूँ। आज का वीडियो भी कमेंट्स पर बेस्ड है, आपके कमेंट्स पर। और यहाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि एक सब्सक्राइबर हैं जिनका कमेंट पिछले 2-3 वीडियो से मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था, तो उन्होंने एकदम से कमेंट सेक्शन में जाके ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ किया। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये गलती से ही होता है और ये मिस हो गया होगा। ऐसा कुछ नहीं कि ये आउट ऑफ लालच होता है कि भाई आप पैसे नहीं दे रहे होते, आपके कमेंट को मैं रिप्लाई नहीं करूँगा और दूसरे लोग पैसे दे रहे हैं, मुझसे थेरेपी ले रहे हैं तो उनके कमेंट्स को मैं आंसर करूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब रैंडम होता है। सो एकदम से ऑफेंसिव मत होइए। आप सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और उस प्यार की वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। जब आप लोग मुझसे नाराज़ होते हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप अगर कमेंट रिप्लाई नहीं हुआ तो आप दूसरी तीसरी बार कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको 2-3 बार रिमाइंडर देना पड़ जाता है और कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। सो प्लीज़ डोंट माइंड, ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं डेलीबरेटली जानबूझ के आपके कमेंट को मिस कर रहा हूँ या नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हो। तो जितने लोगों के मैं कमेंट उठा भी रहा हूँ वो सब लोग मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं। और आपको अगर इन क्वेश्चंस के इंक्वायरीज के आंसर्स चाहिए होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, पहले उसकी स्लिप कटवाते हो, उसके बाद में जा कर के वो 1000-2000 रुपये उसको देने के बाद फिर वो आपको इन सवालों के जवाब देता है। जो मैं आपको 243वां वीडियो अभी डेडिकेट कर रहा हूँ, 243 वीडियोस का मतलब कुछ होता है। अगर आप ये सारा लिटरेचर पहले से लास्ट वीडियो तक देखेंगे तो शायद आपको आज की डेट में देखने के लिए कम से कम 10 दिन का टाइम चाहिए। तो इतने 10 दिन मैंने पूरे आपको डेडिकेट किए हैं ये सारा लिटरेचर बनाने के लिए। तो इतनी जल्दी से आप ऑफेंसिव मत हुआ कीजिए, छोटी सी बातें होती हैं। कमेंट मिस हो गया, वापस कमेंट कीजिए, सर प्लीज़ रिप्लाई करके लिखेंगे, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 2000, तोड़ करके पहले कमेंट पे आ जाते हैं, ऑलरेडी देर हो गया। पहला कमेंट है डॉली का, सर वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू वेरी मच। दूसरा कमेंट आ गया, वेरी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन सर, यू आर ऑसम, थैंक यू वेरी मच अल्तमश, एक्चुअली यू आर ऑसम, आप इतनी मेहनत करते हो अपने बच्चे के साथ। रावल नीलेश लिखते हैं, सर बच्चे का अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाएं। रावल, बच्चे का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले मुझे उसका एक ओवरव्यू देना पड़ेगा कि आपका बच्चा एक्चुअली अब किस स्टेट में है, उसका कितना डेवलपमेंट हुआ है कम्युनिकेशन का और बिहेवियर का, तभी हम लोग अंडरस्टैंडिंग की बात कर सकते हैं। स्ट्रेट अवे जंप करके अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाएं, आई कैन नॉट आंसर इट लाइक दैट। तो पहले आप मुझे वो डिटेल्स दे दीजिए कि आपका बच्चा किस लेवल पे खड़ा है, और उसके वीडियोस अगर शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम लोग उसको पूरी तरह से देख करके आपको एक परफेक्ट एडवाइस दे सकें। थैंक यू रावल। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कमेंट पर, ये है शेख शबाना का। शबाना लिखती है, हाय सर, हाउ टू मेक अ चाइल्ड टू स्टॉप लुकिंग एट फैन व्हिच हैपन थ्रू विजुअल स्टिमिंग। सो शबाना, स्टिमिंग बेसिकली क्या होता है, बेस्ट वे क्या होता है, दो तरह के बिहेवियर्स होते हैं, एक होते हैं हार्मफुल यानी नेस्टी बिहेवियर्स, एक होते हैं सिंपल बिहेवियर्स जो हार्मफुल नहीं है। अगर बिहेवियर हार्मफुल ना हो उसको इग्नोर कर दें, जब आप उसे इग्नोर कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लेकिन जब आप बिहेवियर्स को बार बार अटेंड करेंगे, आपके बच्चे को अटेंशन की आदत है, चाहे उसे पॉजिटिव अटेंशन मिले चाहे उसे नेगेटिव अटेंशन मिले, वो आपकी अटेंशन लेना चाहता है, इसलिए वो जानबूझ के ऐसे बिहेवियर्स करता है। तो आप उसे ऐसे बिहेवियर, अगर वो किसी इलेक्ट्रिकल प्लग में फिंगर दे रहा है उसको ज़रूर रोकिए, लेकिन अगर वो सिंपली फैन की तरफ देख रहा है या किसी घूमती हुई चीज़ की तरफ देख रहा है तो आप बिल्कुल उसे रोकने की कोशिश नहीं कीजिए, उसे रोकने की कोशिश मत करें और उसे इग्नोर करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप उसे इग्नोर करना शुरू करोगे आप उसके सामने कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कह के इधर मत देखो, इधर मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, तो ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए स्टॉप मत करें जो नेस्टी नहीं है, यानी जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ नहीं है उसके लिए कुछ मत कहिए, हार्मफुल है उसके लिए ज़रूर रोकने की कोशिश कीजिए, तो ऐसे वो बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। उसके बाद फिर से अलका राणा का एक मैसेज है, सर ADHD बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं। अलका, अंडरस्टैंडिंग डेवलप ऑटोमेटिकली होती है जब आप स्पीच और कम्युनिकेशन ग्रेजुअली डेवलप हो जाती है। आपने देखो कि नॉर्मल बच्चे को देखेंगे वो 9 महीने, 10 महीने, 1 साल की एज में पहले वर्ड को बोलना शुरू करता है, वो जब बोलता है तो नॉर्मली वो रिपीट करता है, इनिशियली इमिटेट करता है, उसके बाद ही उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। तो इन बच्चों में भी पहले आप स्पीच और उसका कम्युनिकेशन को डेवलप कर लीजिए, फिर ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम लोग कल फिर से डिस्कस करेंगे, भर भर के कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।